हेलो, हेलो सर, आवाज नमस्कार। नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज नहीं आ रही हर्षा जी आपकी। एक सेकंड सर, उन सैलरी पे कर रही हूँ। मैं भी हूँ। हाँ, साउंड नहीं है आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? नहीं, फोन पर आ रही है, मैं उसमें हूँ। अभी बोलिएगा तो। हेलो। नहीं, हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? बोलिएगा हाँ ठीक, अब ठीक है। अभी तो। हाँ आ रही है आपकी मेरी आवाज? हाँ आ रही है। ठीक। ओके, एक्सेलेंट। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो पर ज्वाइन किया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी, टुडे वी हैव विद अस अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर एंड पॉलिटिशियन। ही हैज बीन अ मेंबर ऑन द कमिटी ऑफ स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब, कंसल्टेटिव कमिटी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली, कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एंड ही इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम उत्तराखंड। वेलकम सर ऑन आवर शो। धन्यवाद आपके माध्यम से। आपके तमाम जो दर्शक जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, मित्र जुड़े हैं, उन सबको भी मेरा उन सबको प्रणाम। और यह अवसर देने के लिए, यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको और आपके ग्रुप को, IISER को, मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला। हम आपसे ये सवाल करना चाहते थे कुछ युवाओं की ओर से। आप एक डिस्टिंग्विश्ड लॉयर हैं, आपको क्या इंस्पिरेशन हुई कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और आप वो क्या बदलना चाहते थे दुनिया में जो आपने सोचा पॉलिटिक्स का राह अपनाएं? कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही एक सोशल एक्टिविस्ट रहा। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा, अब तो बागेश्वर नया जिला, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। लेकिन जैसा आपके इस प्रश्न में भी है कि रोजगार और पलायन उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या है, तो मैं बचपन से ही हमारे फादर गवर्नमेंट सर्विसेज पे थे, तो उनके साथ परिवार भी चले गया। तो मेरी प्राइम एजुकेशन जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ से न होकर के, एक तरह से गांव मेरा बागेश्वर जिला है। पैदाइश मेरी पिथौरागढ़ जनपद में हुई, क्योंकि वहाँ फादर सर्विस में थे। और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है, प्राइमरी टू अप टू इंटरमीडिएट, वह गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी जिला है, जोशीमठ है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है। तो एक तरह से जो हमारा राज्य का एक सिनेरियो है कि रोजगार की तलाश में परिवार सरकारी सेवाओं में, अर्ध सरकारी सेवाओं में, निजी क्षेत्र में, अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य के से बाहर पलायन करते रहते हैं। तो उसी दौर में, उसी की मैं भी एक फसल हूँ। और जब मैं फादर मेरे जोशीमठ में थे, अचानक इंटरमीडिएट के बाद मुझे डिग्री कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं थे, उस शहर में डिग्री कॉलेज नहीं था, तो आई हैव टू चेंज द प्लेस। तो मैं फिर अपने मूल स्थान अल्मोड़ी की ओर आ गया। और वहाँ जब मैं आया, एडमिशन मैंने लिया, जब वहाँ पर मेरा फर्स्ट जो तालुकात हुई, मुलाकात हुई, अचानक कॉलेज के ग्राउंड में हम लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे, तो कुछ सीनियर लोग आए ऊपर, एक मैदान के ऊपर चढ़ गए। वहाँ से कहने लगे कि उत्तराखंड राज्य में लोग सिर्फ यहाँ को या तो गर्मियों में देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, सुंदर सुंदर हिमालय को, या तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए आते हैं, या फिल्मों की शूटिंग के लिए आ जाते हैं। और बड़ा यहाँ का जो नौजवान है वो माइग्रेशन के लिए अपने अपनी ज़िंदगी को सब बाहर चले जाए। वो मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन था। वहीं पर से दोस्तों के साथ मिल करके हम लोगों ने एक अपना छोटा सा संगठन बनाया था, पर वो ग्रामीण छात्र संगठन, जो गांव से आए हुए जो विद्यार्थी थे, वो संगठन बनाया। उसके बाद उसी को प्रोडक्ट किया
प्रवती युवा मोर्चा बनाया और उसी समय में जुड़ा, जो सब जानते हैं वर्ल्ड फेमस है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट मूवमेंट है ज़्यादातर आप लोग उसको चिपको आंदोलन के दौर से जान, उस दौर में मैं वहाँ के वन बचाओ के आंदोलन फॉरेस्ट से फॉरेस्ट एक मूवमेंट सोशल मूवमेंट से जुड़ गया और वही सोशल मूवमेंट्स को जुड़ते जुड़ते माँ बाप समझते थे कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था कि ये कहीं दूसरी सरकारी सेवाओं में जाएगा, अच्छी सर्विसेज में जाएगा। मैंने अपनी डिस्टिनी चेंज कर ली और मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हो गया। तो सोशल एक्टिविस्ट के लिए आजीविका सोर्स होता है कि वो लॉयर बन जाए, तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर तो नहीं था लेकिन सोशल लॉयर जरूर था और मैंने उसी LLB का भी उपयोग करते मैं सामाजिक जीवन में फॉरेस्ट के आज भी उत्तराखंड की समस्या जो आपने अपने सवालों में भी है कि यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ की जो नेचर है फ्रिजाइल है, यहाँ की जो क्लाइमेट चेंज से जो सिर्फ राज्य को ही प्रभावित नहीं करता पूरे देश को प्रभावित करता है, शराब एक बड़ी समस्या था। उस शुरुआती दौर में उसने मुझे सामाजिक क्षेत्र में स्टार्ट किया। राजनीति की तो मैं बहुत देर में आया जब फिर मुझसे बहुत से सलाहकारों ने मित्रों ने मुझसे कहा कि अगर आप एक बड़ा विजन देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, माइग्रेंट्स के रोकना, महिलाओं के, हमारे जो अर्ली एक बार हमने अपनी एक पदयात्रा की थी जो विद्यार्थी से हम 8-10 लोग थे उसमें हमने बहुत से रखे, तो उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु थे शिक्षा के सवाल को लेकर के, पर्वतीय क्षेत्र में जो शराब है नशा है उसकी बुराई के खिलाफ को लेकर के, और जो महिलाएं हैं आज भी वहाँ की महिलाएं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में है वो समाज के हर वर्ग करती हैं, पहाड़ी जीवन का जो सामाजिक धरातल है मैदान के हिसाब से नहीं सारा जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है। मेल है परिवार की आर्थिकी को चलाने के लिए बाहर चले जाता है, लेकिन जो वहाँ की एग्रीकल्चर है वहाँ की खेती बाड़ी जिसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है लेकिन वो सब कुछ पैदाइश में है, उस कारण मैं जुड़ गया। तो यही मेरी एक शुरुआती दौर थी। तो लोगों ने ये मुझसे यही कहा कि अगर आपको बड़ा विजन करना है तो आप लोगों को एक राजनीतिक उसमें भी आना चाहिए, तो वहीं से मेरी एक शुरुआत होगी। तो इसलिए कह सकता हूँ कि राजनीति में आने के पीछे जो उत्तराखंड और देश के एक नए हालत एक नया समाज बने, किसी के साथ शोषण ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, कुछ ये सवाल थे। नशे का जो प्रोग्राम वो था, महिलाओं की स्थिति, समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति, ये सवाल ने मुझे राजनीति की ओर भी मोड़ा और राजनीति की ओर से मोड़ते मोड़ते मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया। तो शुरुआती दौर में तो यही चीज़ें हैं लेकिन जो बुनियादी सवाल था वो अभी भी जुड़े हुए। थैंक यू सर, दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी, काफी इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी। सर अभी हाल ही में पूरे पृथ्वी पर कोरोना का प्रभाव पड़ा है, उसमें आपने अपने रेजिम में उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या किया है? देखिए कोरोना का जो फर्स्ट फेज था वो तो उस वो दौर भी बड़ा अजीब सा दौर था। मैं उस समय हमारे वहाँ पार्लियामेंट चल रही थी और हालत ये हो गई थी कि इस जो कोरोना का जो कोविड है ये एक बहुत सीरियस पेंडेमिक है, लेकिन कुछ सरकारों के राजनीतिक कारणों से कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, पार्लियामेंट चल रही थी और अचानक 23 तारीख को जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिर गई, 24 की 23 की रात को पता चला कि अगले दिन से लॉकडाउन कर दिया गया। तो मैं हेल्ड अप हो गया दिल्ली में और मेरी पत्नी होली के दिनों में कुछ समय पहले हम दोनों लोग गांव अपने गए थे, कुछ एक जगह कुछ 1000 पेड़ उन्होंने लगाए थे, वो पेड़ों की रख रखाव के लिए उन्होंने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था है क्योंकि आने वाले से गर्मी आ रही है, तो मैं उसकी रखवाली के लिए तार बाड़ कर लेती हूँ। मैंने अपने मित्रों से कहा भी और वो वहाँ चले गए। तो जब अचानक लॉकडाउन आ गया तो वो गाँव में फंस गई और मैं दिल्ली में हो गया, तो कहीं उस समय जा नहीं सकते थे, लेकिन उस दौर में मुझे एक बड़ा भारी अनुभव हुआ। आज जो मैं यूक्रेन में भी देख रहा हूँ, मैं वीडियो पे वहाँ के बच्चों की आवाज़ को भी देख रहा हूँ कि जो नंबर हमको दिए जा रहे हैं MBC के नंबर, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, कोई उठाते नहीं थे। आज मुझे लग रहा
क्या ये सिर्फ उस समय, मैं भी जब मेरा नंबर था सार्वजनिक नंबर था, और लोगों ने, कुछ लोगों ने हेल्पलाइन में मेरा नंबर भी डाल दिया क्योंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट था, तो सारे नंबर कभी भी उसमें एक दो बार तो मुझे कुछ लोगों ने टेलीफोन बहुत बुरी तरह से डांटा कि आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, कुछ उठा रहे थे, हम फंसे हुए हैं, कोई पैदल चल रहा है। जब मैंने उनसे कहा मैं आपकी मदद करूंगा जहां जहां से मैं संभव हुआ, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी से, हमारे सेक्रेटरी हैं, कुछ अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम भी किया, कुछ अधिकारियों ने बहुत गैर जिम्मेदारा के लोगों, जो हेल्पलाइन यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमारी रेजिडेंस कमिश्नर थी उस समय तत्काल के, वो उठाते ही नहीं थे। वो अनुभव आज के रिलेटिव में देख रहा हूँ, कहीं कहीं मुझे लगता है जब हम संकट के समय में होते हैं और संकट के समय में सरकारें कुछ इमरजेंसी नंबर देती हैं अधिकारियों रिस्पॉन्स के लिए, उनको रिस्पॉन्स करेंगे, उस समय उनकी वजह से पूरे लोगों की छवि पर सवाल उठ जाता है। तो उस दौर में मेरा एक काम रहा, 2 महीने जब तक मैं दिल्ली में रहा, अपने मित्रों के साथ पहाड़ से संपर्क रहा, जो लोग फंसे हुए थे पंजाब में, फंसे हुए थे हरियाणा में, फंसे हुए थे, और जहाँ तक हम लोग समझते थे कि हमारे लोग उस समय ज़्यादातर कि माइग्रेशन में यूपी में चले आते हैं, दिल्ली में चले आ जाते हैं, या ज़्यादा जैसे पंजाब है हरियाणा में, मुझे पहली पहली बार पता चला कि हमारे लोग गुजरात में भी बहुत बड़ी तादाद, इधर इंदौर साइड में, इवन कर्नाटक, इवन चेन्नई से भी बहुत से लोगों का संपर्क आया है। तो उस समय ये कोशिश हमने की कि जो कोविड के दौर में जो लोग फर्स्ट फेज में हेल्ड अप कहीं पर हो गए थे, वो उनकी पुनर्वापसी उस क्षेत्र में हो जाए, तो सरकारी अधिकारियों से, तत्कालीन सीएम से भी, चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन जो अब हमारे यहाँ पर राज्य के अंदर हमारे लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल हैं, वो चीफ सेक्रेटरी भले आदमी थे, उनसे, अन्य अधिकारियों से वास्ता करके उनको ये बताना कि कहाँ कहाँ हमारे लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ उनको सहायता की जरूरत है, और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में भी अपने साथियों को वहाँ पर अल्मोड़े में, बागेश्वर में से संपर्क के जो नीडी हेल्प हो सकती है। तो महीने के बाद जब कोविड का कार्यकाल सरकार ने रिस्ट्रिक्शन किया, मैं फिर ग्रामीण क्षेत्र में गया, लोगों से मिला, जहाँ जहाँ हमारे मित्र थे, जो जिस तरह की जो नीडी आवश्यकताएं थी, सरकार के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से वो सारी सेवाएं करने की कोशिश की। और एक बड़ी जो उस समय लोगों ने, मैंने तो क्या, मेरा एक स्टेटस था, हमारे मित्रों ने एक ग्रुप बनाया था उत्तराखंड के अंदर, सबसे बड़ी थी सवाल कि हॉस्पिटलों में एडमिशन की लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत, कहीं गए, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं भी तरह के उस समय बड़ा ये होता था रेमडेसिविर इंजेक्शन है। तो मैंने फिर हेल्थ सेक्रेटरी से, देहरादून है, हल्द्वानी है, एम्स में, जहाँ जहाँ से भी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स था, हमारे एक विजय साथी विजय रहते हैं, उनके माध्यम से जो लोगों की मदद कर रहा था, उन्होंने कहा साहब आप एक काम हमारी कर देंगे, जहाँ जहाँ से हम देंगे आप उन सब अधिकारियों को अपनी लेटर हेड में फ़ोन करेंगे, लेटर हेड में भी देंगे, इन लोगों की मदद करें। तो एक तरह से उन नौजवानों ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो नीडी लोग थे, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता थी, दवाई की आवश्यकता थी, उनको मैं एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक माध्यम हो जाता है कि लोग सांसद हैं उनकी बात पर, अधिकारी उनकी बात पर, अन्य लोग थोड़ी सी प्राथमिकता देते हैं, काम तो वो कर रहे थे लेकिन मैंने उनको फैसिलिटेट करने में, उन्हें मदद करने में, ये सारी चीजें मैं उस समय करता रहा। वंडरफुल सर, एक्सीलेंट वर्क। एंड उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो काफी जल्दी इस चीजों से उभरा और अभी काफी नॉर्मेलिटी आई है बिकॉज आप लोगों ने इतना उसमें काम किया है। सर, उत्तराखंड इज नेचुरली अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट बट इज प्रेजेंटली बेयरिंग द बर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट इज ससेप्टेबल नॉट ओनली टू द पॉल्यूशन इन द गंगेज बट ऑल्सो फायर्स इन द फॉरेस्ट। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कमिटी फॉर एनवायरमेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ डू यू सी वी कैन इम्प्रोवाइज ऑन दिस and address the climate change in the beautiful state of Uttarakhand. बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जब लोकसभा में था, मैं उस समय जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, मैं उसका एक हिस्सा था, पार्ट था, और आज भी मैं क्या कहते हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटी है वाटर रिसोर्स की, वाटर रिसोर्स गंगा रिनोवेशन का मैं अभी भी सदस्य हूँ, और विशेषकर इन सदस्य में क्योंकि मैं एक फॉरेस्ट मूवमेंट के रूप में झील में भी गया, जंगल में भी गया,
हमने उस आंदोलन का हिस्सा भी रहा, पुलिस के दमन को भी मैंने सहा होगा, लाठियां से, वो पास्ट की चीजें हैं, लेकिन उसका जो असर मेरे पास भी है, आज भी ये सवाल है, जब मैं लोकसभा का मेंबर भी रहा और जब मैं राज्यसभा, आज जरूरत सिर्फ उत्तराखंड का ही सवाल नहीं है, पूरा जो हिमालयी हमारे राज्य हैं, लगभग 10 से 11 राज्य हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर भी स्टेट थी, अब दुर्भाग्य से उसको यूनियन टेरिटरी दो हिस्सों में बढ़ चुका है, ये जो इंटायर हिमालयन क्षेत्र है ये फ्रेजाइल है, इकोलॉजी के रूप से बहुत ही संवेदनशील है, यहाँ के डेवलपमेंट्स के लिए, यहाँ के विकास के लिए एक नई तरह की सोच की जरूरत है। और मैं ना, मेरी कोशिश रही है कि देश के पार्लियामेंट में, सदन में, जब मैं लोकसभा में मेंबर था, ये सवाल हमने उत्तराखंड से देने, हिमालयन स्टेट की एक नए डेवलपमेंट अथॉरिटी की जरूरत है, एक नए फेडरेशन की जरूरत है, एक नए कंसेप्ट की जरूरत है, लोकसभा में भी हमने उसमें प्राइवेट मेंबर बिल में लाया था, और जब मैं राज्यसभा में भी रहा था फिर हमने मांग की थी एक पूरे नए दृष्टिकोण की जरूरत है उत्तराखंड के राज्यों में। आज क्या हो रहा है, विकास की तो हम सब बात करते हैं, विकास सब कुछ यही भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही भी चाहिए, लेकिन जो उत्तराखंड का हिमालय है, कहें तो हिंदुस्तान का वाटर टावर है, हमारी 65% जो पानी का सोर्स है वो इसी हिमालय से निकलता है, और जो हमारी सभ्यता संस्कृति की प्रतीक है, गंगा जमुना की जो नदियाँ हैं, जो उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश से, बिहार से बंगाल तक जाती हैं, वो इसी हिमालय से निकलती हैं। उसी तरह से अगर आप देखें हिमालय के एक दूसरे कोण से, ब्रह्मपुत्र से जो आपके अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आसाम होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और उधर दूसरी नदियां हैं जो पंजाब तक आती हैं, पंजाब का 5 नदियों का स्तंभ है, और जो सिंधु जो हमारे वहाँ से होते हुए पंजाब पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं, इस सारे समीकरण में इस हिमालय की नदियों को बचाना का बहुत जरूरी है। नदियां तभी बच सकती हैं जो हिमालय क्षेत्र में जंगल बचे रहेंगे, और जंगल जब तक नहीं बचेंगे हिमालय भी नहीं बचेगा। तो इस सवाल को मैं बड़ी शिद्दत से उठाता रहा हूं, और उसके लिए जब मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय मनुष्य को उस समय के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनी थी, वी के चतुर्वेदी की कमेटी, जिसने भारत सरकार को रिकमेंडेशन भी दिए थे। हिमालय में अक्सर एक मांग होती है कि विकास की जरूरत है, हमको भी है, लेकिन हमने अपने जंगल देश के लिए समर्पित कर दिए, हमने अपनी नदियों के जो वाटर उसको देश के लिए समर्पित कर दिए। मैं कभी भी बड़े डैमों के पक्ष में नहीं रहा, चाहे टिहरी डैम हो, और आज मेरी स्टेट में एक पंचेश्वर डैम जिसको कहते हैं एशिया का लार्जेस्ट डैम बनने वाला है, जो इंडिया और नेपाल के अभी राजधानी। हेलो, इस तरह के, हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्राची जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, प्राची बोल रहा हूं। मैं अभी तक इस सवाल पर मेरा एक अलग ही नजरिया है, हिमालय के विकास के संदर्भ में अगर हमको बात करनी है तो हिमालय की नदियों को हमको बचाना पड़ेगा। हमने जंगल बचाए, आज जो सबसे बड़ा हमारे पास चुनौती अपनी नदियों को बचाने का है, और नदियों को बचाने के लिए हमारे पास है कि जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, बड़े हों या छोटे हों, टनल के माध्यम से हो या डैमों के माध्यम पर, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और हमेशा क्या हो रहा है कि जब हम डेवलपमेंट के और बड़े डेवलपमेंट के नई टेक्निक की भी आते हैं, जो वीके चतुर्वेदी की कमेटी की रिपोर्ट ने भी इशारा किया था, निर्माण कार्य में दुनिया में जो नई आधुनिक टेक्निक्स है उसको हिमालय के राज्यों को मिलना चाहिए, और भारत सरकार को इन राज्यों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि अपने दम पर लेटेस्ट टेक्निक है। तो आपका ये सही कहना कि क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज़्यादा प्रभावित यही क्षेत्र है। हर साल गर्मियाँ ऐसी चीज है, मैं लोकसभा में जब था 12 से 9 से, तो 12, 13, 14 इन 3 सालों में लगातार उत्तराखंड के किसी न किसी चीज़ में आपदा आती रही। तो आज ये जरूर है कि इस देश को सोचना है, इन राज्यों के
आर्थिक स्थिति है, इन राज्यों का दबाव भी बहुत बड़ा है, पलायन भी इनके ऊपर है, लेकिन इस देश को सोचना है कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए विकास के एक नए मॉडल की जरूरत है, तो देश को सपोर्ट सिस्टम की, देश की एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज को बचाने वाले इन राज्यों के सामने देश की मदद की भी जरूरत है और एक नए डेवलपमेंट की भी जरूरत है, विकास के एक नए मॉडल की भी जरूरत है। जो आज का मॉडल है मैं नहीं समझता वो सस्टेनेबल है। हमारे हिमालयी क्षेत्र में बहुत से आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकारों के अधीन भी है, हैं। हमने बहुत से इन 5 सालों में फॉरेस्ट के संदर्भ में बहुत से रूलों में क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना हुआ था उसमें बहुत सी क्या कहते हैं हमने शिथिलताएँ दे दी हैं, और मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं है। पूरे देश में हो, चाहे हिमालय में हो या छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ भी फॉरेस्ट हमारे रिसोर्सेस है, ये बचाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ये सवाल है। तो क्लाइमेट चेंज के असर से ये सिर्फ उत्तराखंड का नुकसान नहीं होने जा रहा, पूरे देश और दुनिया के भी है, लेकिन देश का ध्यान इन सीमाओं पर बस इन राज्यों की भी ओर जाना है। सबसे बड़ी समस्या विकास के साथ रोजगार भी है, पलायन को भी रखना है, तो आर्थिक सपोर्ट उनको भी जरूरत है। एक कमेटी ने खुद भी कहा था कि इन राज्यों ने अपने रेवेन्यू रिसोर्स वाटर से हो सकते थे, फॉरेस्ट से हो सकते हैं, वो देश के लिए अर्पित कर दे हैं, और आपको इनको क्या देना है, उल्टे एवरेज में आपने कुछ नहीं दिया है। तो लोकल भाषा में, ये मीडिया की भाषा में उसको आता था कि ग्रीन बोनस राज्य को मिलना चाहिए, और बी के चतुर्वेदी ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था कि दे आर द हमारे पर्यावरण को, इकोलॉजी को रिस्टोर करने वाले क्षेत्र हैं उत्तराखंड से अन्य हिमालय राय, तो इनकी इस इकोलॉजी की सर्विस में उनको बोनस मिलना चाहिए। उस पर भी सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हिमालय की जो क्लाइमेट चेंज से दुनिया में जो प्रभावित कर रहा उसका असर होगा, और इस पर तो पूरे देश को और विशेषकर नौजवानों को सोचना समझना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके हमारे देश में। सर आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा विषय है विश्व भर में, पर उत्तराखंड में जो टूरिस्टिक लोकेशन है वहाँ पे ज़्यादा कोविड का भी असर हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। इस सिलसिले में डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को साथ में लेकर आप कैसे आगे काम कर सकते हैं, या क्या क्या वो नई स्किल्स है जो लोगों को और युवाओं को संगठित करनी चाहिए एम्प्लॉयबल होने के लिए? दो चीजें, हिमालय के राज्य है जैसा आपने कहा कि ये टूरिस्टिक राज्य, और रियली में हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा विशेषकर उत्तराखंड का हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। अगर पर्यटन को आप ब्रॉडर सेंस में लेंगे तो दो तरह का पर्यटन है, एक है तीर्थाटन धार्मिक पर्यटन है, वहाँ पर आप कुछ सुविधाएं बनाए या ना बनाए, लोग अपनी आस्थाओं के लिए तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद लोग बरसों बरसों से वहाँ पर आ रहे हैं, ये इस राज्य की इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा, इसी तरह उत्तराखंड राज्य में जो नेचर ने गिफ्टेड आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, नदियाँ, अगर यहाँ दिल्ली के बच्चे से पूछा था कि नदियाँ कैसी हैं, तो वो यमुनोत्री को देख के कह के अपने गार्जियन से पापा से क्या यही नदी होती, तो गधरे के अलावा ये गंदी नाली के अलावा कुछ नहीं है, बहता हुआ पानी देखना है, जीवन को देखना है, नदियों को देखना है, तो आप उत्तराखंड में देखेंगे तब आप लगेगा हाँ नदियों का भी अपना एक अस्तित्व होता। तो नेचर को देखने के लिए एक बड़ा समूह वहाँ पर रहता है, अपने धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने के लिए वहाँ पर समूह होता है। तो तीर्थाटन है, कोविड के दौर में वहाँ के इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ी तरह से नुकसान उठाना पड़ा, छोटे छोटे ढाबे से लेकर जो बड़े बड़े होटल थे जिन्होंने यहाँ के पर्यटन को उद्योग को आगे सपोर्ट करते हैं, जो उसको सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, जो टैक्सियों के माध्यम से उसको किसी भी तरह की सहायता, राज्य राज्य नहीं भारत सरकार की कोई ऐसी योजना ही नहीं बनी कि ये जो पर्यटन के कारण उत्तराखंड सहित अन्य हिमालय राज्यों ने जो सफर किया है उसको क्या कहते हैं, कैसे उनकी मदद की जाए, इसके और ज्यादा नहीं दिया। लेकिन दो सवाल जरूर है, एक तरफ तो पर्यटन का सवाल है, जंगलों में आपने कहा भी क्लाइमेट के चेंज की वजह से जंगलों में आग भी लग रही है, आपने इस संदर्भ में पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठे हैं, डिस्कशन हुए कि आज हिमाचल और उत्तराखंड में
जो ठीक पीक सीजन होता है आपका मई जून का है, उसी में आग लगती है पूरा, जो जिस लोग के लोग विशेष के उत्तराखंड के हिमालय में लोग हिमालय को, सुंदर हिमालय को, लंबी हिमालय की श्रृंखलाओं को देखने के लिए आते हैं, वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, जब जंगल में आग लो, वो धुंध हो, धुआं हो, तो हिमालय के रेज नहीं दिखाई देते, उससे हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी तो नष्ट हो रही है, लेकिन जो लोगों को आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि सुंदर हिमालय को देखने के लिए, उसकी वजह हमारी पर्यटन इंडस्ट्री पे भी बड़ा असर पड़ा। दूसरी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में मैंने इस भी सरकारों से कहा भी है, उत्तराखंड के दो हिस्सों में, कुमाऊं की एक गढ़वाल का रीजन है जहाँ धार्मिक पर्यटन है, वहां पर चार धाम यात्रा के नाम से बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, अच्छी रोडें बनी है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा इसी राज्य का कुमाऊं का हिस्सा है, जो भी पर्यटन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से बहुत अपूर संभावना लिया है, हिमाचल की तरह कुल्लू मनाली जैसी, शिमला जैसे सुंदर प्लेस है, यहाँ पर पिछले 5-6 साल में 8-10 इंफ्रास्ट्रक्चर को जो देश के अन्य राज्यों में विकास हुआ उसमें प्रगति बहुत ही स्लो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बढ़ाना। और दूसरा है कि रोजगार और पलायन भी एक दूसरे जुड़ा, हमने कहा भी है कि जो हमारे वहाँ रोजगार के दो तीन कारण है माइग्रेशन के, एक कारण है आदमी अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण करके लिए बाहर निकल रहा, दूसरा कारण है स्वास्थ्य और शिक्षा की कमियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी वजह से अर्थ के आधार पर जितने आदमी की सामर्थ्य है गांव से अपने शहर में आ रहा है, या गांव से अपने जिला मुख्यालय में आ रहा है, या मैदानी क्षेत्र फूट हिल्स में आ रहा है, या आउटसाइड माइग्रेशन में भी एक बड़ा समूह भी शिक्षा के लिए बाहर जा रहा है। स्वास्थ्य कोविड के दौर में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं की कमी थी वो सबसे ज़्यादा उजागर भी है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को रोकना भी है तो दो तीन चरण, एक तो सरकारी क्षेत्रीय सेवाओं में भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा, जैसे भारत सरकार राज्य सरकारों में जो पोस्टें खाली है उनको भरना चाहिए, दूसरा सरकारी सेवाओं में पदों की नए पदों का भी सृजन होना जरूरी है, तीसरा है कि निजी क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड राज्य में है, अगर आप लोगों को अपने क्षेत्र में रोकना चाहते हैं तो ग्रामीण खेती जिसमें जीवन का आधार था, एक लंबे समय से हमारी पुरानी पीढ़ियां ग्रामीण खेती के आधार पर जिंदा रही थी, उन्होंने अपने जीवन अपने परिवार को क्या कहते कहा था, ये खेती हमको आधार दे सकती, आज हम फिर उस ओर आ गए कि सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोग किए जाएं, नई संभावना को तलाश दिया, और उसके लिए राज्य के साथ साथ भारत सरकार को भी, इन हिमालय राज्यों को भी अपने साधनों की, संसाधनों की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण खेती में लोग अपना जीवन देखते हैं, हमारे वहाँ उत्तराखंड में खेती के साथ हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरी कल्चर है, बहुत सी संभावनाएं हैं जहाँ पर हम रोजगार के अवसरों को विकसित कर सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है राज्य और केंद्र सरकार, तो मेरा फोकस भी रहे कि जो यहाँ की स्थानीय उत्पाद भी हैं, स्थानीय जो कल्चर उत्पाद है, साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरी कल्चर, एग्रीकल्चर, इन तीनों को मिला करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, जिससे कि नौजवान रहे, परिवार का एक अगर एक परिवार का एक हिस्सा एक सदस्य बाहर जाता तो एक हिस्सा यहाँ पर रह करके अपने परिवार को आर्थिक मजबूती करे, तो उसकी सेन में कृषि और उससे जुड़े हुए विषयों के संदर्भ में भी राज्य को ठोस पहल की जरूरत है और उसके लिए भारत सरकार के सहयोग की भी जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन सस्टेनेबल टूरिज्म में ले आए आप। जैसे आपने अभी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट में ये तीन तरह से लोगों को एंगेज करना चाहिए, जो माइग्रेशन है, टिहरी गढ़वाल की जो डिस्ट्रिक्ट है और उसकी सराउंडिंग की जो एरिया है वो काफी रेगुलर फीचर हो चुका है, तो एग्रीकल्चर के अलावा भी जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनके लिए और क्या क्या प्रबंध किया जा सकता है कि उन्हें माइग्रेट करके शहरों में या अन्य देशों में नहीं जाना पड़े और वो वहां पर ही प्रगति और उन्नति करें। देखिए, हम सुमें आपने टिहरी की बात की, टिहरी से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी रहा कि मेरे अपने जीवन का जो
कहते हैं ना, जब बच्चा बढ़ता है तो घुटनों के बल चलना सीखता है, तो घुटनों के बल पांव में खड़े होने की मेरी यात्रा ही टिहरी जिले टिहरी शहर से भी, वो टिहरी शहर आज इतिहास के पृष्ठ बन चुका है, वो टिहरी शहर आज पूरी तरह जलाशय में मग्न है, और उसके कारण टिहरी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो जो खेती के लिए बहुत ही संपन्न था, वो भी क्षेत्र क्या कहते पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, या तो डूब चुका है या धीरे धीरे कभी डूबेगा, तो वहाँ पर लोग वहाँ से जा चुके हैं। सवाल टिहरी नहीं, यानी पूरे हिमालय जो हमारे उत्तराखंड के सवाल है कि अलग अलग क्षेत्रों में इंटरवेंशन की जरूरत है। चाहे आप मुझे अभी मैं जैसे सुबह आपसे ये था कि 11 बजे, तो मैंने एक बात सोचा, एक छोटा सा देश यूक्रेन में हमारे 18,000 स्टूडेंट जो मेडिकल सेवा के लिए क्षेत्र में जाना था वहाँ फंसे हुए, सिर्फ हमारे ही नहीं है, हमारी टीवी सेक्टर तो ये कहते भारतीय छात्रों के साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा। जब मैंने सुबह दूसरा चैनल लगाया, मैं अल जलजीरा का देख रहा हूँ, तो उसने कहा कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन दूसरे आधार पर हो रहा, तो वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, चाइनीज भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, एक छोटा सा इतनी बड़ी लोगों को अपने वहाँ आकर्षित कर रहा है, हमारे वहाँ भी क्या कहते क्यों नहीं, हमारा स्टेट है ये, इस तरह की सवाल। एक तरफ हम खेती के साथ साथ नए जो रोजगार के अवसर होते हैं जिसमें अपने राज्य के, हमारे राज्य में तो मेडिकल के क्षेत्र में वैसे ही डॉक्टरों की कमी है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में अगर सिर्फ मेरे राज्य के सवाल नहीं है, देश का भी सवाल है कि हम एक डॉक्टरों की एक बड़ी लंबी लोगों को पैदा कर सकते हैं, उस व्यवसाय को पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको उसका जो प्रोफेशनल जो उसकी शिक्षा कॉस्ट है, उस कॉस्ट को अफोर्ड करने लायक बनाना पड़ेगा कि एक भारत का बच्चा दूसरे देश में जा करके अफोर्ड डिग्री ले सकता है और अपने आप अपने देश में उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। तो मेरे राज्य में भी इस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में, एक बार मैं बहुत मना हमारे सीनियर लीडर्स का नाम सुना, उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का जो इन्वायरमेंट है वो सबसे अच्छा है, ना यहाँ बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, तो अगर यहाँ पर इस ह्यूमन रिसोर्स को हम मजबूत करेंगे तो हमारे सामने अलग अलग चाहे टूरिज्म के भी क्षेत्र में है, हॉर्टिकल्चर के भी क्षेत्र में है, दुनिया में टूरिज्म के लिए हमारे पास लोगों के पास बच्चों के पास अनुभव हुआ है, लेकिन उस तरह की स्पेशलाइजेशन के कोर्स में ये राज्य आगे नहीं बढ़ पाए। तो बहुत से क्षेत्र एग्रीकल्चर के अलावा रोजगार के जो दूसरे क्षेत्र हैं उन पर हम आगे आगे जा सकते हैं। हमारे वहाँ छोटी छोटी क्या कहते हैं बिजली के को पैदा किया जा सकता है, हमारे वहाँ सोलर एनर्जी के सवाल को भी पैदा करता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। तो रोजगार का सिर्फ यही नहीं कि सरकारी क्षेत्र में हो, स्वरोजगार ये नहीं है कि आपको सिर्फ आपको एग्रीकल्चर के पर, बहुत से स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारे एक सीनियर लीडर नरेंद्र तिवारी जी कह भी थे कि हमको रोजगार के ऐसे जहाँ पर वॉल्यूम लो वॉल्यूम हो और हाई वैल्यू हो, तो इसके संदर्भ में हमारे नेचुरल उत्पाद हैं आज दुनिया में सिर्फ क्या कहते हैं केमिकल्स वाले आधार में, जहाँ के लोग कोई लोकल प्रोडक्ट है उस और भी ज़्यादा है, उनकी एक मार्केट बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि रोजगार के लिए को पैदा करने के लिए दो अवसर उत्तराखंड के अंदर है, वो खेती में है, वो हॉर्टिकल्चर में है, वो आधुनिक संदर्भ में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर हम उनके नए इंस्टीट्यूशन और अफोर्डेबल एजुकेशन को, चाहे वो मेडिकल हो या प्रोफेशनल एजुकेशन के नौजवानों को एक बड़ी फौज यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, तो रोजगार के अवसर देंगे। सर, बहुत अच्छे। सर, आपके जो क्षेत्र है वो नेचुरली तो ब्लेस्ड है ही, पर वहाँ इट्स वेरी फ्रेजाइल स्टेट कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आ जाते हैं बार बार, तो फ्लड्स आते हैं तो ह्यूमन लाइफ काफी इम्पैक्ट होती है। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस, हाउ व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स डू यू प्रपोज? इसके लिए तो हम मेरा हमेशा भी मैं कोशिश अभी भी करूं, आने वाली इसमें एक बड़ी स्टडी यहाँ पर हुई थी, उसके संदर्भ में हमको जो आज आया है कि विकास की दौड़ यहाँ पर भी है, सड़क आपको चाहिए, आपको हर तरह के नए सोचों को जो प्रोजेक्ट हुई जरूरत है, लेकिन यहाँ के नेचर को वो सस्टेन करने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा। तो इस समय हमको जो जो दुनिया के अंदर इस तरह के हमारे जैसे हिमालयी क्षेत्र जैसे जो स्टेट हैं, जो हिली स्टेट हैं, दुनिया ने अन्य जगहों में भी अपने प्रयोग किए हैं, तो उसके संदर्भ में हमको उस नॉलेज को जो
दुनिया में उपलब्ध है, इस राज्य में भी, उत्तराखंड में भी लाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने कहा भी है कि नेचर के संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में, भवन निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, इसमें ये जरूरत हमारी भी है, लेकिन जो पुराने तरीके हैं, वो टेक्निक्स हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। उस बदलाव को पूरा करने के लिए जो विश्व में सुलभ, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल टेक्निक हो सकती है, उसको भारत सरकार को इन राज्यों को प्रोवाइड करना चाहिए। और लोग कहते भी हैं कि यूरोप के बहुत से देश भी हमारी तरह हिमालयन हैं, बहुत सी तरह हमारी तरह पहाड़ी हैं, फ्लड और जो लैंडस्लाइड का जो बीमारी है, उन्होंने भी अगर किस तरह से उस पर विजय प्राप्त की है, और हमारे वहाँ भी आज फ्लड्स, जो लैंडस्लाइड हमारे वहाँ सबसे बड़ी समय समस्या है। हर बरसात में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो इस बात से रहते हैं कि इस बरसात, ये बरसात कब निकल जाएगी, जिससे कि जीवन हमारा, हम सबका बना रहे। तो इसके संदर्भ में राज्य को और हम सब लोगों को नई टेक्निक्स का प्रयोग तो करना पड़ेगा। जो ओल्ड टेक्निक है, रोडों की हम बम ब्लास्टिंग कर देते हैं, डायनामाइट का प्रयोग करते हैं, इससे हमको बचना पड़ेगा। नहीं, क्या टेक्निक है, ये तो सरकारें हैं, जो दुनिया में उपलब्ध उदाहरण है उनसे सीखा जा सकता है। और मैं हमने इसको कोशिश भी की है, और सरकार की कमेटी ने इसको रिपोर्ट भी किया है कि हमको दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को अपने उत्तराखंड से, जो हिमालयी राज्य है, उनको प्रोवाइड करना चाहिए। धन्यवाद सर। अगले 5 सालों में आपका क्या विजन है उत्तराखंड के लिए, आप कहां उत्तराखंड को देखना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड का जीवन बहुत कठिन भी है, लेकिन उत्तराखंड बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, खूबसूरत भी है। कठिनता में संघर्ष वहां की कहानी है। मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी जो अगले 5 सालों में हम वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और महिलाओं की जो तकलीफ है उसके क्षेत्र में, और आज के क्षेत्र में कि जो ये संचार की सुविधा है, जो संचार आज के जीवन में हमारी विलासिता नहीं रहेगी, ये हमारी आवश्यकता रह गई है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता रह गई है, कि जब संकट आता है तो अपने मित्रों के साथ, अपने शासन से प्रशासन के पास पहुंचने के साधन या संचार के साधन ही रहते हैं। तो अगले 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी दोनों की, रोड कनेक्टिविटी प्लस कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, इन 3-4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। और मेरा जो सबसे बड़ा फोकस है कि जो हमारी ग्रामीण खेती है, जो पहाड़ी खेती है, इसके पुनर्जीवन के लिए प्रयास किए जाएं। जब तक लोगों को हम ये विश्वास नहीं दिला सकते हैं, आज बड़ा प्रकोप भी है, वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा प्रकोप है, उसके वजह से लोग बहुत से खेती की ओर छोड़ रहे हैं, तो क्या उपाय हो सकते हैं। लेकिन फोकस रहेगा कि ग्रामीण जनजीवन को और ग्रामीण प्राण को रोकना है, तो ग्रामीण खेती का पुनर्जीवन, एग्रीकल्चर का पुनर्जीवन, इस पर मेरा फोकस रहेगा। धन्यवाद सर। हमारे कुछ इट्स अ वेरी ग्रैंड विजन एंड आई होप वी ऑल कैन वर्क टुगेदर विद यू। हमारे कुछ दर्शकों से सवाल आया है, ये हमारे मेंटर भी रह चुके हैं, राजेश तिवारी जी, ही इज आल्सो एसोसिएटेड इन द फील्ड ऑफ CSR। इनका सवाल है, आप अकाउंटेबिलिटी कमीशन कब लाएंगे हमारे देश में, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी कमीशन सिर्फ पार्लियामेंट ही इनैक्ट कर सकता है सारी पावर की रिस्पांसिबिलिटी के लिए। जरूर इस पर और भी क्या कहते हैं मौका मिलेगा तो जरूर भी कहें। अकाउंटेबिलिटी आज सब की ओर से, वैसे तो बड़ी अकाउंटेबिलिटी की हमारे देश में मुश्किल हमारे देश में है कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डर के रूप में हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे गए। वैसे अगर लोकपाल का अगर ठीक से इंफॉर्मेशन कमीशन था, सूचना का अधिकार था, और ये लोकपाल का अगर ये ठीक से इंस्टीट्यूशन काम करने लग जाए, तो हर व्यक्ति अपने कार्य अकाउंटेबल कमीशन का मीन्स यही है कि हर व्यक्ति, हर अधिकारी, हर पार्लियामेंटेरियन
अपने कार्यों के प्रति देश के प्रति अकाउंटेबल हो और देश और हमारे प्रयोग भी हुए, कभी कभी सत्ताएं उनको पुख्ता करने की जगह उनको कमजोर कर देते, जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन की जो सूचना अधिकार कानून है इन 5 साल में मजबूत होने की जगह डायल्यूट होता गया। लोकपाल एक बहुत बड़ा प्रयोग इस देश के लोगों ने किया था, अगर वो इंस्टीट्यूशन सशक्त होता अपना कार्य करता, मैं समझता हूँ क्या कहते हैं सब लोग अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन आजकल हमारे वहाँ इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंस की जगह समझते हैं कि स्टेट चाहती है कि वो हमारे अधीन रहे, ये इसके लिए हम सब लोगों को एक नए सिरे से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ हमारे ऑडियंस में सुशील कुमार शर्मा जी भी मौजूद हैं जो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको मैं अमंग पार्लियामेंट वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड एंड एनरिज्ड पार्लियामेंट मानता हूं और आपको काफी लंबे समय से मैं फॉलो करता हूं। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, उत्तराखंड से संबंधित, पार्लियामेंट से संबंधित, देश से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, सस्टेनेबिलिटी से संबंधित, और अभी जो स्थिति रशिया और यूक्रेन के मध्य है उससे भी संबंधित। सर मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, हर क्षेत्र में प्रगति की जरूरत है और उत्तराखंड में निश्चित रूप से सिचुएशंस थोड़ा डिफिकल्ट हैं। मैं अभी पिछले माह ही उत्तराखंड में था 10-12 दिन के लिए, देख के आया हूँ और निश्चित रूप से ज़रूरत है। सर किसी भी क्षेत्र में अगर स्टेबिलिटी होगी तो प्रोग्रेस दिखाई देगी। उत्तराखंड के बारे में मेरा अपना मानना यह है कि वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल डर्टी गेम्स आर डोमिनेंट। एज सच व्हाटसोएवर एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय वन गवर्नमेंट, दे आर अनडन बाय नेक्स्ट गवर्नमेंट and it is happening government after government for almost now more than since Uttarakhand have come into existence. So as a seasoned, matured and learned politician, how you see sir politics future of Uttarakhand? देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही समसामयिक भी उठाया। उत्तराखंड राज्य अपने निर्माण के दौर से अब तक राजनीतिक अस्थिरता का शिखर भी रहा है और बड़ी कभी कभी लोगों ने अपना मैंडेट भी दिया है। जैसे इस बार की 2017 में जो गवर्नमेंट बनी थी, लोगों ने हमारी, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी उसमें बड़ी फ्रिजाइल मेजर थी हमारी, कभी भी गिर सकती थी और उसकी वजह से जो कुछ हमारी सरकार चाहती भी थी करने में बहुत सी दिक्कतें आती थी। उत्तराखंड लोगों ने भी उसको समझा और इस दूसरी गवर्नमेंट को बीजेपी गवर्नमेंट को दिया भी था पूरा अकाउंट में, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी लोगों के द्वारा देने के बावजूद भी खुद ही रूलिंग पार्टी ने एक अनस्टेबिलिटी का दौर, एक इमेजिन कीजिए कि 5 साल में हम एक स्थायी मुख्यमंत्री को जाते थे और उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए, तो इसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट को बहुत बड़ा फर्क पड़ा। पिछली बार जब 12 से 17 के बीच में रहा है, हमारी अनस्टेबिलिटी के राजनीतिक पैदा की कि अस्थिरता के कारण हम अपने बजट को भी एक समय कहते पास नहीं कर पाए और पास करने के बाद भी, तो ये इसके लिए तो अब इस देश के हम सबको भी, जिसमें मैं भी एक उसका हिस्सा हूँ राजनीति के संदर्भ में, हमको राजनीति में कुछ मूल्यों की ओर कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा कि राजनीतिक स्थिरता विकास के लिए बहुत प्राइमरी शर्त है। किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी, अगर आप अपने कोई भी पार्टी जो गवर्नमेंट बनती है उसको अगर अपना पॉलिटिकल विजन क्या कहते हैं धरातल पर लाना, तो राज्य के अंदर देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का स्थायित्व बना होना चाहिए। और मैं समझता हूँ उस सबक से इस बार हमारे वहाँ तो अभी चुनाव भी हुए हैं, आप गए भी हैं वहाँ पर, लोग इसका सबक लेकर के एक स्थायी सरकार की और लीडरशिप को भी सबको समझना है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ असेंबली के प्रति नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पार्लियामेंट के नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी आपकी अपने लोगों के प्रति होती है जो आप पर भरोसा करते हैं कि 5 साल तक आप गवर्नेंस, अच्छे गवर्नेंस देंगे,
ये उत्तराखंड ने इस राजनीतिक अस्थिरता से मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा है यहाँ की जनता ने। मुझे भरोसा है कि हमारी जो नए असेंबली बन रही है उसमें मैं जो नए नौजवान लोग आएंगे, जो सीजन लोग आएंगे, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी अब जनता की नहीं है, हमारी भी एक अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति। सर, आपका रिप्लाई काफ़ी सामयिक है, सटीक है। मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है। आप जी जैसे लोग जो कि उत्तराखंड में काफ़ी रिस्पेक्टेड एंड सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, क्या उत्तराखंड की भलाई में आप सभी एबव पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं? कैन यू ऑल देखिए, नॉट कम टुगेदर फॉर गुड कॉजेज, गुड इनिशिएटिव्स, गुड डेवलपमेंट्स एंड एफर्ट्स? दैट इज हम, मिसिंग। हाँ ये है, लेकिन हमको एक चीज समझ आया कभी कभी, अभी एक बात में आया था, हमारे लीडर ने कहा भी हमारे राहुल कि प्रतिपक्ष को हम प्रतिद्वंदी समझें लेकिन हम उसको विरोधी ना समझें। राजनीति में लोकतंत्र, हमारे देश के लोकतंत्र के यही तो खूबसूरती है कि यहाँ एक खास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी को देने का हक जनता को दिया गया है। जो सत्ता में बैठा है वो अपना काम ईमानदारी से करे, जो प्रतिपक्ष में बैठा उसका भी काम ईमानदारी से तभी हो सकता है जब उसको भी सरकार के कामों पर निगरानी में जो उसको ताकत दी गई है उसको पक्ष भी सुने, रूलिंग क्लास भी, रूलिंग पार्टी भी उसको रिस्पेक्ट दे। और आज ये हमारे जैसे नए राज्य में, हमारे जैसे नए राज्य में विकास तभी स्थायी हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है कि जब हम दोनों पक्ष, रूलिंग पार्टी जो सरकार में है और जो प्रतिपक्ष है, दोनों के अपने एजेंडे हो सकते हैं, हो सकता है दोनों, क्योंकि अलग अलग स्तर है तो उनमें विरोधी डेफिनेशन भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। और इस तरह से जो हमने जनता के सामने सवाल किए हैं, वादे किए हैं, उस पर हम चल रहे या नहीं चल रहे हैं, हमारा प्रतिपक्ष हमारी क्या कहते हैं आलोचना करने का उसका अधिकार है, दायित्व भी उसका है, उस दायित्व को हम ईमानदारी से लें और उसको भी कुछ सीखें। तो ये हेल्दी लोकतंत्र के लिए, दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि पक्ष और प्रतिपक्ष साथ रहना, साथ चलना सीखें। और ये भारतीय लोकतंत्र को इसमें अभी चलना है, सीखना है, लंबा दौड़ लगेगा, पता नहीं आज आई डोंट नो कि कब तक हम इतने मैच्योर हो पाएंगे कि अपने प्रतिपक्ष के भाव को भी आदर देंगे। सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल आर क्वेश्चंस सो पेशेंटली। फर्स्टली, एंड IICSR इज अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडरशिप। हम अपने कॉरपोरेट CSR और NGO के माध्यम से आपके लिए और क्या क्या इस बड़े विजन को साकार करने के लिए क्या क्या हम साथ में काम कर सकते हैं, ये आप बता सकेंगे? हाँ मैं जरूर जरूर सोच रहा था आपके, मैं जब क्वेश्चन को देख रहा था ये लास्ट वाले को, मैं अभी अभी आया हूँ, मैं यहीं दिल्ली में था, मेरी पार्लियामेंट कैंट की मीटिंग चल रही थी और अचानक एक बड़ा हादसा मेरे क्षेत्र में हुआ, जहाँ से मैं पहले लोकसभा का पूर्व सदर है, चंपावत, बहुत ही इंटीरियर गाँव है, जहाँ अभी सड़क बन रही है, जो सड़क बनी है वो अपनी दुर्दशा के लिए रो रही है, लेकिन जो नई कनेक्टिविटी बन रही है वो भी पूरी नहीं, गाँव तक नहीं गई, बस गिर गई थी, 14 लोगों की डेथ हो गई और उसमें आठ, लगभग 8 और 10 तो ऐसे हैं जो 40 से नीचे या 35-40 के बीच में होंगे, विधवाएं होंगी। दो तीन परिवार ऐसे हैं, दो परिवार ऐसे मिले कि जिसमें बेटियां हैं 7 साल की, 8 साल की, उनका क्या होगा मेरे दिमाग में आ रहा था। दूसरा, दो बच्चे मुझे ऐसे मिले जो पूरी तरह से फादर उनकी डेथ हो चुकी है, माँ गांव में है, अनपढ़ है, उनका कैसे गुजारेगी, और वो रिटायर्ड है के है, इनका भरण पोषण कैसे हो सकता है। एक दो पारों के परिवार तो ऐसा था जिसके परिवार में रहती, उसके पास रहने को भी घर नहीं था। तो अगर इस क्षेत्र में अगर कुछ आप लोग मदद कर सकते हैं तो मैं वहाँ के जिलाधिकारी से कह करके जो किसी बच्ची की शिक्षा के क्षेत्र में को और अडॉप्ट कर सकते हैं, एक दो लोगों के पास जिनके पास घर नहीं है अगर उनके उसमें मदद कर सकते हैं, जो विधवाएं हो चुकी हैं उनको कैसे क्या कुछ मदद की जा सकती है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा या किसी भी तरह से,
अगर आप कहेंगे तो मेरी ओर से तो ये था कि मैं भी जब उनके पास गया था तो मेरे पास भी बहुत कुछ उत्तर नहीं था कि मैं इन लोगों के पास आया हूँ और लौट रहा हूँ, मैं इनकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जब आपका ये क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर इस माध्यम से कुछ मदद उन बच्चों को जिसके पास घर नहीं, एक घर तो ऐसा है कि जिसकी डेथ होने के बाद उसको दूसरे घर में जाकर के अपने तमाम जो सामाजिक कार्यक्रम हो सकते थे वो करने पड़े, और गाँव के पास तो दो तीन बच्चियाँ हैं जो अभी 6, 7 साल, 8 साल की होंगी, उनकी आगे की शिक्षा के सवाल, दो बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग हैं। अगर इसके संबंध में कुछ मदद सोचती कुछ आप वर्कआउट कर सकते हैं, मैं भी फिर वहाँ से वर्कआउट करके फिर उन लोगों के को हमारा कलेक्टिव प्रयास हो तो कुछ लोगों की जिंदगी बच जाए, बन जाए। That's excellent. मैं आपसे इस संक्षेप में बाद में फोन पर बात करके और डिटेल्स लूंगी, और हमारे इस माध्यम से जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं और CSR का या NGO का काम करते हैं उत्तराखंड में, मैं उन्हें निवेदन करूंगी कि संपर्क में आए आपसे और हम उस माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे शुक्रिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपका हर्षा जी, आपका CSR ग्रुप का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी आपके संस्थान में आना भी चाहूँगा, और आपने मुझे मौका दिया, मेरी बात को कहने का एक बड़ा ऑडियंस दिया, उसके लिए मैं आपको और आपके संस्थान को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, हैप्पी महाशिवरात्रि। आपको भी, आपको और सारे दोस्तों को शिवरात्रि की बोले, भोले शंकर का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे, ये सबसे धन्यवाद। धन्यवाद सर।